हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम चैप्टर और थीम नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की। फर्स्ट एनसीईआरटी है, ऐसी दो एनसीईआरटीज और हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया की है, सेकंड एनसीईआरटी मेडिवल इंडिया की है, थर्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की है। करेक्ट, आई होप आप ये वर्ड भी समझते हैं कि एंशिएंट इंडिया में क्या आता है। वैसे तो जनरली एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज, स्टोन एज से लेके आप कह सकते हो कि हर्षा पीरियड, हर्षा पीरियड यहां पे आता है। हर्षा पीरियड मतलब 7th सेंचुरी AD हो गया, ठीक है। काफी लोग तो ये कहते हैं, इसके बाद कहते हैं वो कि भाई, इसके बाद कहते हैं कि 1196 तक, 1196 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ ट्रेन हुआ था 1192 में, 1196 नहीं 1192 में, या आप 1200 भी कह सकते हो। 1192 में बैटल ऑफ तिरेन हुआ था, 1200 में आपका सल्तनत पीरियड की आप कह सकते हो शुरुआत होना शुरू हुई थी। तो कहते हैं काफी हिस्टोरियंस की हर्षा पीरियड से लेके ये जो पीरियड है, मतलब 7th सेंचुरी से आप कह सकते हो कि 8th सेंचुरी से ये 1200 तक, या इसको मैं प्रिसाइसली क्या लिखना चाहूं, इसको प्रिसाइसली अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि 701 से लेके 1200 तक, इसको काफी हिस्टोरियंस कहते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड है, अर्ली मेडिवल पीरियड, राइट। तो ये हो गया एंशियंट पीरियड और ये हो गया अर्ली मेडिवल पीरियड। काफी हिस्टोरियंस कहते हैं कि स्पेशली पुराने टाइम में कहा करते थे, अब तो वैसे ये कहना गलत ही है। काफी हिस्टोरियंस कहते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड जो है इसको भी एंशियंट पीरियड में ही इंक्लूड करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे काफी एनसीईआरटीज में, जैसे आर एस शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी आपको दिखेगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनसीईआरटी है एंशियंट इंडिया की, उसमें आप रियलाइज करोगे कि स्टोन एज से लेके, स्टोन एज से लेके आप कह सकते हो कि 1200 तक, ये पूरी की पूरी एंशियंट इंडिया है, पूरी की पूरी एंशियंट इंडिया है। उसके बाद आप कह सकते हो 1200 से लेके 1707, एक ये कहते हैं और काफी स्टोरियंस कहते हैं 1757 तक ये मेडिवल इंडिया है। भाई 1707 में क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था। और फिर कहते हैं भाई 1757 से लेके और 1947 तक ये पूरा मॉडर्न इंडिया है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आता है, जो काफी जगह पढ़ाया नहीं जाता, काफी जगह पढ़ाया भी जाता है, ये मॉडर्न इंडिया हो गया, ठीक है ना भाई। उसके बाद कहा जाता है 1947 से लेके आज से 30 साल माइनस कर लो, 1990। देखो हिस्ट्री ऐसे नहीं डिडक्ट की, जैसे ऐसे नहीं कह सकते आप कि ठीक है, एग्जाम्पल लेने के लिए कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो पीरियड है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, गलत है कहना, गलत, ठीक है। एक बार मनमोहन सिंह ने भी कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कि हिस्ट्री मुझे अच्छा जज करेगी। क्यों उन्होंने ये कहा था, क्योंकि हिस्ट्री 30 साल पुरानी चीजें देख के जज करती है, ठीक है। तो हिस्ट्री आप 1990 तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद की जो चीजें वो हिस्ट्री में नहीं आती, ठीक है। पढ़ने को तो पढ़ सकते हो, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन हिस्ट्री एनालिसिस करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड होना चाहिए, जिससे आप समझ सके कि अच्छा जो उन्होंने वर्क किया था उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ठीक है, ऐसी चीजें। एनीवेज, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब क्या होता है, स्टोन एज मतलब पत्थर से आदमी खेलता कूदता था, उसी से शिकार करता था, है ना, पत्थरी पे जिंदगी थी। इसमें तीन पीरियड आते हैं, पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक भी कहते हो, पहले लियोलिथिक भी कहते हैं, और फिर मेजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, ठीक है, ये पीरियड आते हैं स्टोन एज में, राइट, जो इस एनसीईआरटी में ज्यादा दे नहीं रखे थे, और ये एंशियंट इंडिया का पीरियड है। तो आप अगर समझना चाहें, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए हो कि हर्षा पीरियड 7th सेंचुरी में जो था हर्षा पीरियड, ठीक है, वो था 7th सेंचुरी में खत्म हो गया था हर्षा पीरियड, तो एंशियंट इंडिया वहां तक चलती है। उसके बाद आप कह सकते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड है, फिर ये मेडिवल पीरियड है ऑफ ए मॉडर्न पीरियड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और मैंने आपको ये भी बता दिया डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया की हिस्ट्री आप देखें, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री तो आप जरा नोटिस करें तो अलग ही चलेगी, अलग ही चलेगी। पल्लवास का पीरियड चल रहा था इस टाइम में, पल्लवास, उसके बाद चोला का पीरियड चलेगा, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे अलग हिस्ट्री चलेगी जनरली। लेकिन आप देखो एक चीज आप रियलाइज करोगे कि हिस्ट्री जो है वो थोड़ी बायस्ड है टुवर्ड्स नॉर्थ, बायस्ड आपको दिखेगी टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियंस, क्योंकि नॉर्थ इंडियन की हिस्ट्री हिस्ट्री कही जा रही है। अगर आप थोड़ा सा डीप में एनालाइज करो, उसमें हम ज्यादा नहीं जाते, मेरा बस आपको पॉइंट समझाने का था कि हिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं। एनीवेज, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, बड़ी बड़ी बातें होंगी, ठीक, बड़ी बड़ी और अच्छी भी बातें होंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप GS4 का पेपर दे रहे हो, एथिक्स का पेपर जिसमें आता है, उसमें भी ये बातें काफी यूजफुल होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे महावीर के बारे में। महावीर जो कौन थे, जैन, जैनिज्म रिलीजन
तीर तनखार ही वॉज नॉट दी फाउंडर ऑफ दी जैन रिलीजन, लिख लो कहीं नोट्स में। काफी लोग बोलते हैं भाई फाउंडर कौन है जैन रिलीजन का, आंसर गलत है। तो कौन हुआ फाउंडर जैन रिलीजन का, कमेंट सेक्शन में लिखें। ये फाउंडर नहीं है। चलिए देखते हैं, मैसेज ऑफ महावीर। महावीर बुद्धा से पहले आए थे, ठीक है, इसे भी आप याद रखोगे। बुद्धा से कुछ टाइम पहले आए थे, लेकिन दोनों साथ साथ ही थे। तो बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द जैन्स वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान। वर्धमान कौन है, उनका नाम वर्धमान महावीर, ठीक है। हु केम टू बी नोन एज महावीर, जैसे बुद्धा, उनका नाम पहले सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम, उसके बाद फिर बुद्धा हो गया, ठीक है। ऐसे इनका नाम पहले वर्धमान था, और याद रखो जैनिज्म फिलोसफी इससे पहले एग्जिस्ट करती थी 6th century BCE से पहले। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीर वॉज प्रिसीडेड बाई 23 अदर टीचर्स जिनको तीर तनकार कहते हैं। तीर तनकार मतलब जो टीचर्स, जैन के टीचर्स जो होते हैं इनको तीर तनकार कहते हैं। तो जैन के 24 तीर तनकार आए हैं, 24वें नंबर पर कौन है, महावीर। और पहले और 23 नंबर पे जो तीर तनकार हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस। तो तीर तनकार का मतलब क्या होता है, दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस। ये मैंने हाईलाइटेड कर रखी है लाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, सब में लाइफ है। ये कहते हैं स्टोन रॉक्स वाटर इन सब में भी लाइफ है, ऐसे कहते हैं जैनिज्म में, ठीक है। इसलिए कहते हैं स्टोन को भी वो मत करो, लात मत मारो, ये मत करो। आपने अगर कभी कभी थोड़ा रियलाइज किया हो, स्पेशली दिगंबर सेक्ट में जो स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, जब वॉक कर रहे होते हैं ना, तो वॉक करने से पहले वो झाड़ू लगा रहे होते हैं। झाड़ू लगाने से वो क्लीन कर देते हैं, जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मरे उनके चलने से भी, ठीक है। तो आपको दिखिएगा बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है ये, जो मतलब ये कह दे रहे हैं कि सब कुछ ही एनिमेटेड है। मतलब पत्थर को भी मत मारो, पत्थर को भी मत फेंको, क्योंकि उसकी भी जान है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमंस एनिमल प्लांट इंसेक्ट्स इन सेंट्रल टू जैन फिलोसफी। अब इससे क्या निकल के आता है, जैनिज्म में कह रहे हैं भाई नॉन वेज तो खाना ही नहीं है, नॉन वेज तो खाना ही नहीं है, तो भाई साथ साथ में आपको एग्रीकल्चर भी नहीं करना, क्योंकि एग्रीकल्चर आप करोगे तो आप प्लांट्स को भी किल करोगे। तो ये थोड़ी सी आपको दिखेगा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट फिलोसफी, स्ट्रिक्ट। आज क्या फॉलो किया जा रहा है उसमें मैं इतना नहीं जा रहा, ठीक है। आज क्या फॉलो किया जा रहा है उसमें नहीं जा रहा, लेकिन जो कोर स्टार्ट हुआ, जो कोर फिलोसफी है वो बताई जा रही है। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, अहिंसा का प्रिंसिपल, इट वॉज एम्फेसाइज विद इन जैनिज्म, हैज लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज अ होल। आपको पता ही है अहिंसा हमारे आजादी का, जो गांधी जी का सत्याग्रह था, उसकी कोर फिलोसफी, कोर फिलोसफी थी अहिंसा। हिंसा को पूरा छोड़ दो। ये इमेज है तीर्थंकर की, ये मथुरा से आपको दी गई 3rd century CE की, ठीक है। किसकी है, महावीर की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। तो आपके कर्म जो है वही आपकी साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ को डिटरमाइन करेंगे। एसेटिसिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम दी साइकिल ऑफ कर्मा। तो आपको ये दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, थोड़ी पेनेंस, आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड की लाइफ अकेले, ठीक है, थोड़े आपको सैक्रिफाइसेस देने होंगे, तभी आपको ये साइकिल जो बर्थ और रीबर्थ की है, इससे आप तभी बच सकते हो, तभी आप बच सकते हो इस साइकिल से, जब आप एसेटिज्म और पेनेंस फॉलो करो। अगर ये नहीं करोगे तो आप इस साइकिल में फंसे रहोगे हमेशा। ये जैनिज्म फिलोसॉफी कह रही है, दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। रिनाउंसिंग मतलब ये छोड़ दो, मतलब बात है, यूपीएससी वगैरह छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, है ना, फोकस करो अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस पे, अच्छी लाइफ जियो, ठीक है। देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सेल्वेशन। मोनेस्टिक एक मतलब कोई संघा, संघा देखिए जैनिज्म में भी होता है, ठीक है, संघ होता है, और जिसको संघा भी कह सकते हो, संघ भी कह सकते हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे इतना नाराज मत होना मुझसे, ठीक है। संघ भी कहते हैं, संघा भी कहते हैं, संघा मतलब इंग्लिश में संघ, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। और कुछ प्रोनाउंसिएशन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, वो फॉलो की जाएगी। तो संघ में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सबको फॉलो करने होंगे। जैन मॉन्क्स एंड नंस, तो देखिये अब फीमेल्स भी है, टुक 5 vows, एक तो आपको किल नहीं करना, चोरी नहीं करनी, और छूट नहीं बोलना, 3 तो ये हो गए, ठीक है, लिख लो। सेलिबेसी फॉलो करनी है ना, मतलब सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाने, शादी नहीं करनी, एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पॉसेसिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी नहीं है। 5 चीजें कहता है जैनिज्म की फिलोसफी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पढ़ के कि यार मेरे जैन ये दोस्त हैं, ये तो ये फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें मतलब ये कोर फिलोसफी जो ओरिजिनली बताई गई थी, आज जो चल रहा है उस पर इतना नहीं जा रहे।
करेक्ट, तो ये बात हुई उनकी। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड बियॉन्ड पैलेस की बात लिखी हुई है। बुद्धा एंड महावीर दोनों एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे, उन्होंने काफी कुछ चीजें छोड़ी और फिर उन्होंने देखा कि हमें सेल्वेशन कैसे अचीव करनी है। दोनों की लाइफ में आपको काफी सारी सिमिलरिटीज भी दिखेंगी, ठीक है। दोनों का फोकस रहेगा कि निर्वाणा कैसे अचीव करना है। कोई नोट्स अगर आप बनाओ तो उसमें लिख लेना सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आसान नहीं है समझना, शुरू शुरू में लगता है बड़ा आसान है, लेकिन आसान नहीं है टॉपिक। जस्ट एज द बुद्धास टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स, द टीचिंग ऑफ महावीर वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसिपल्स, ठीक है। जैसे बुद्धा की बातें उनके फॉलोअर्स ने लिखी त्रिपिटक में, ऐसे ही महावीर की फिलोसफी भी लिखी लिखी है। ऐसे ही आपको दिखेगा कि बुद्धिज्म की चार काउंसिल हुई थी, जैनिज्म की दो मेन काउंसिल हुई है, दो काउंसिल जिसमें काफी सारी चीजें कंपाइल की गई हैं। ये दो काउंसिल कहाँ कहाँ हुई हैं ये आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखो। हियर इज वन एग्जाम्पल फ्रॉम अ प्रकृत टेक्स्ट नोन एज उत्तराध्यायन सूता, ठीक है। ये बुक कहाँ की है, जैनिज्म की। डिस्क्राइबिंग हाउ अ क्वीन नेम कमलावती ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक बात दी गई है उसमें। तो ये स्टोरीज के फॉर्म में होती है सारी चीजें, लोगों को कन्विंस करने के लिए, स्पेशली टू दी ऑर्डिनरी पीपल। और इसमें आप देखो प्रकृत लैंग्वेज में लिखा है, प्रकृत लैंग्वेज लोगों की मतलब मदर टंग काइंड ऑफ होती है। जैसे अब आजकल हिंदी बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, और रीजनल लैंग्वेजेस में जैसे अलग अलग जगहों पर बात की जाती है, असम में असमीस, महाराष्ट्र में मराठी, है ना। तो लोकल लैंग्वेज प्रकृत ऐसी थी उस टाइम में। इफ द होल वर्ल्ड एंड इट्स ट्रेजर्स वर योर्स, यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, नॉर वुड ऑल दिस बी एबल टू सेव यू। When you die, O king, leave all things behind. Dhamma alone and nothing else will save you. तो ऐसी बातें कह रही हैं कौन? क्वीन बातें कर रही हैं। As a bird dislikes the cage, so I dislike the world. I shall live as a nun without offspring. मतलब मैं कोई बच्चा भी पैदा नहीं करूंगी। Without desire, मेरे को कोई desire नहीं होगी, कुछ नहीं चाहिए। Without the love of gain, मुझे कुछ gain नहीं करना। Without hatred, those who have enjoyed pleasures renounce them. Move about like the wind, go wherever they please, unchecked like birds in their flight. ठीक है, अगर आपका सोच लो आपका आपको दुनिया में किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है तो आपको जो करना होगा वो करोगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, है ना। अगर सारी बंदिशों से आप बचाओगे, जैसे आप बोलो मोबाइल है, मोबाइल आपने फेंक दिया, जो करना है करो, है ना, घूमो फिरो इधर उधर। लीव योर लार्ज किंगडम, अबैंडन व्हाट प्लीजेस द सेंसेस, बी विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी, देन प्रैक्टिस सेवियर पेनेंस, बीइंग फर्म ऑफ एनर्जी। तो पेनेंस कैसे पाइए, छोड़ो ना, बच्चों का खेल नहीं है ना। Which of these arguments advanced by the queen do you find more most convincing? तो सोचिए इसके बारे में, लिखिए कमेंट सेक्शन में, आप बताइए फिर आपको कौन से convincing लग रहे हैं। हाँ आप ये भी कह सकते हो मुझे कोई भी convincing नहीं लग रहा, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है। जो आपको लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी तो ऐसे आ जाता है काफी में। इज अहिंसा रिलेवेंट इन दी 21st सेंचुरी? बिल्कुल है ना। अगर आपको वर्ल्ड वार रोकनी है तो, अनदर वर्ल्ड वार रोकनी है तो कुछ कुछ पॉइंट बता दो। अहिंसा अगर हमने सही से फॉलो की होती तो कोविड भी ना फैलता, कोविड भी ना फैलता, हम मतलब थोड़ा सा बच के रहते, खाना पीना सही से खाते, बहुत इसके भी मल्टीपल पॉइंट्स दे सकते हैं। तो हम खाना पीना सही से खाते, उसके बाद अगर हुआ होता तो हम केयरफुल रहते, WHO ने प्रोटेक्शन वगैरह नहीं करी, है ना। उसके साथ साथ आप देखो तो अहिंसा, आजकल हम तो लोगों में इतनी लड़ाई हो रही है ना, रेज इतना बढ़ गया है, तो उसमें भी बहुत काम आएगा पर्सनल लेवल पे भी। और अहिंसा रहेगी तो आप क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे रेदर देन कम्पीट। आजकल क्या हम एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, तो कोऑपरेट करेंगे, इससे सबका ओवरऑल ग्रोथ होगा। ऐसे ही आप बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हो, तो ये बिल्कुल रिलेवेंट है, ठीक है, बिल्कुल रिलेवेंट है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, मेरी एक सलाह है ऑपोजिट पॉइंट भी लिखना, क्यों ये रिलेवेंट नहीं है, क्यों ये रिलेवेंट नहीं है। देखो अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई टेररिस्ट है, तो ये थे ना बोलो यार नहीं आप गोली चलाओ मैं नहीं मारूंगा आपको, उसको मारना पड़ेगा तभी अहिंसा आएगी, है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक और चीज समझो, ऐसे नहीं कि टेररिस्ट को मारने गए एक आदमी को और 10 को और मार गए, वो नहीं करना, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करना। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको दिखेगा कि काफी अच्छा जो रोल प्ले करा है, काफी अच्छा किंग खरवेला ने रोल अच्छा प्ले करा है। इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, किंग खरवेल मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उड़ीसा के किंग है, इनके बारे में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। उदयगिरी खंडागिरी के इसमें जाओ पढ़ना इनके बारे में, हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको दिखेगा एक बहुत ही अच्छा रोल जो प्ले करा है साउथ इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य ने,
चंद्रगुप्त मौर्य जो जो जैन जैन बन गए थे अपने एंड ऑफ लाइफ में. ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक बुद्धिस्ट जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस प्रकृत संस्कृत तमिल. लिख लो इसको नोट्स में कि जैन जो लिटरेचर है संस्कृत में भी होती थी. ये मत लिख देना संस्कृत में होती ही नहीं थी, पूछ लिया जाता एग्जाम में काफी बार. सम ऑफ द अर्लिएस्ट स्टोन स्कल्पचर्स एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशंस वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स and have been recovered from several sites throughout the subcontinent. So some stone sculptures associated with stone sculptures, तो मतलब ये archaeological evidence हो गया. I hope आज तक अब तक आप समझ ही गए होंगे archaeological evidence और literary evidence में फर्क क्या होता है. Archaeological मतलब जो किसी पत्थर वगैरह में लिख दिया गया है ना, जैसे अशोका की रॉकेट एक्ट. They were associated with religious traditions were produced by devotees of the Jain Tirthankars and have been recovered. तो जो भी बातें होती थी वो ज्यादातर स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह में लिख देते थे. और आप विजिट करोगे केव्स काफी सारी तो आपको दिखेंगे भी. तो ये देखिए एक चीज यहाँ पे दे रखी है, पेज फ्रॉम दी 14th सेंचुरी जैन मनुस्क्रिप्ट. इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं जैनिज्म के से एसोसिएटेड, वो भी आप प्रिपेयर करके इसका मैप बना लेना. बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट जो है जैनिज्म से एसोसिएटेड, उसका आप मैप ही बना लेना. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अगेन पॉज कर रहा हूँ. जैनिज्म हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे बुद्धा एंड द क्वेस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनलाइटनमेंट, इससे आपको थोड़ी सी नॉलेज भी गेन करोगे, ठीक है. तो ये क्वेश्चन के आप आंसर प्रिपेयर करें जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताए. और ये भी देख लीजिए पेज फ्रॉम दी 14th सेंचुरी जैन मैनुस्क्रिप्ट. कैन यू आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट? क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी स्क्रिप्ट है, बताओ. एक दो चीजें मैं आपको और बता दू बिफोर क्लोजिंग दिस चैप्टर. जैनिज्म जो है वो इतना ज्यादा नहीं फैला था जितना बुद्धिज्म फैला था शुरू में. वाई? बिकॉज जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म में ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि इन्होंने देखिए ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे वेदास को, राइट. वेद वेदास को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. उसके बाद इनकी फिलोसफी और इनकी जो प्रैक्टिस है काफी ज्यादा आपको दिखेंगे सेम दिखेंगे ब्राह्मणिज्म से, ठीक है. लेकिन एक चीज याद रखिए आप कि जैनिज्म जो है ना मेडिवल इंडिया में काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ. मेडिवल इंडिया में काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ, स्पेशली आप देखोगे गुजरात रीजन में, राजस्थान रीजन में बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा. और आज भी आपको दिखेगा कि गुजरात में काफी सारे जैन है ना. वल्लभी एक बहुत ही पॉपुलर जगह है जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, ज्यादा प्रिपेयर करना. इसके साथ साथ आप प्रिपेयर करना अगम क्या होते हैं, अगम, ठीक है. अगम क्या होते हैं ये सब चीजें मैं छोड़ दे रहा हूँ जो इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है लेकिन इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जैन फॉलो करते हैं एक मॉडल के एफ सी, चिकन नहीं है, ठीक है. चिकन से तो बिल्कुल दूर रहते हैं. राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट, ठीक है. ये चीजें आपको फॉलो करनी होंगी जैन के साथ, जैन अगर आपको जैनिज्म रिलीजन फॉलो करना है. उसके साथ साथ जैनिज्म के आप दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, दिगंबर्स और श्वेतंबर्स थे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में पढ़ें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि दिगंबर और श्वेतंबर में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है. क्या क्या डिफरेंस होता है दिगंबर में, इन दोनों में से कौन से वो हैं जो क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, सिर्फ बहुत ही लिमिटेड क्लोथ्स पहनते हैं दिगंबर और श्वेतंबर में, दोनों में डिफरेंस, ठीक है. एक चीज और समझिए कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, फिर से उस टॉपिक में आ रहा हूं मैं. बुद्धिज्म तो इंडिया से साफ ही हो गया, और ऑलमोस्ट आप कहाँ देखते हैं बुद्धिस्ट, जो भी आपको बुद्धिस्ट देखते हैं लद्दाख वगैरह रीजन के और तिब्बत से आए हुए हैं, और कोई बुद्धिस्ट तो ही ना इंडिया में. लेकिन जैन्स हैं बहुत सारे, ऐसा क्यों है, वाई, ठीक है, ऐसा क्यों है. एक एक पॉइंट इसमें आपको देख सकता है कि जैन ने ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म रिलीजन को इतना क्रिटिसाइज नहीं करा, तो ब्राह्मण रिलीजन ने भी इतना अटैक नहीं करा जैन्स को. लेकिन आपको दिखेगा कि ब्राह्मण्स ने बुद्धिज्म रिलीजन को काफी ज्यादा अटैक करा, जो एक रीजन बना उसके एंड होने का. उसके साथ साथ बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में आगे चल के डिफरेंसेस थोड़े कम भी हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धिज्म भी वही चीजें करने लगा जो ब्राह्मण्स करते थे. क्या? जैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रिलीजियस एक्टिविटीज, और आपको इमेज वर्शिप भी शुरू में बुद्धिज्म में दिखेगी. और क्या क्या रीजन है कि जैन इंडिया में है और बुद्धिस्ट इंडिया में नहीं है, ऐसा और क्या क्या रीजन है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो फ्रेंड्स इन ओपन क्वेश्चंस के साथ मैं ये लेक्चर खत्म कर रहा हूँ.
नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू एंड टेक केयर.